हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा हम अपना चैप्टर 4 पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, तो आज केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाफ लाइफ पीरियड के साथ, तो हाफ लाइफ पीरियड जो है उसे हम डिनोट करते हैं T1/2 या T½ से। ठीक है, अब जो हाफ लाइफ पीरियड होता है ये होता क्या है? द टाइम रिक्वायर टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ लाइफ पीरियड क्या हुआ? एज वो टाइम जिसमें हम किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को, टाइम रिक्वायर्ड मीन्स वो टाइम जिसमें हम किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। अब आप इसे समझेंगे कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने मोमबत्ती ली। ठीक है, यहाँ पे वैसे ड्राइंग मेरी थोड़ी बेकार है तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक मोमबत्ती ली हमने और उसे क्या करा, हमने जलाया। ठीक है, मोमबत्ती को हमने जलाया, कुछ देर बाद हमने देखा कि ये कितनी हो गई, हाफ। ये क्या हो गई? हाफ हो गई। अब वो टाइम जिसमें ये मोमबत्ती अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो गई, मतलब मान लीजिए पहले इसकी कंसंट्रेशन थी 50 ग्राम, अब क्या हो गई? 25 ग्राम। ठीक है, तो वो टाइम जिसमें इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई? हाफ हो गई, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। तो टी यहाँ पे क्या हो रहा है? हाफ। हाफ लाइफ पीरियड जैसे ये है तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, अगर टाइम हाफ हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है? हाफ हो रही है। और ये जो ए है यहाँ पे, ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इक्वल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2 × रेट कांस्टेंट। ठीक है, मींस ए अपॉन में 2 के। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इक्वल होता है 0.693 अपॉन में के, मींस रेट कांस्टेंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे में कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन का जिक्र नहीं है। सो अगर आप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा रिएक्शन का ऑर्डर बताइए जिसमें जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, तो आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है, मींस जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना होता है? 1/KA। और के क्या है यहाँ पे? रेट कॉन्स्टेंट। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। सो देखिए, ए क्या हो गया? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा है हाफ लाइफ पीरियड। अभी ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इन्हें हम अभी ड्राइव भी करने वाले हैं जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। सो हाफ लाइफ पीरियड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, सेकंड है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, और स्लोप क्या होता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उसके बाद हम हाफ लाइफ ऑर्डर का फॉर्मूला फाइंड करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 0 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मींस मान लीजिए ये जो आर है हमारे पास जिसे हम रेट कहते हैं, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसकी पावर होगी 0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, उसकी पावर क्या होगी? 0। ठीक है, तो ये हमारी जो होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी,
जहाँ पे रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड करेगा या उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो अब देखिए, हम यहाँ पे एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं और उसी डेरिवेशन में हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए क्या है, एक रिएक्टेंट है जो आगे चल के क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हमें इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना हो तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो रेट हमारा सिंपल है, माइनस डी ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और एक रेट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, के। अब रिएक्टेंट यहाँ पे ए ही है तो यहाँ ए। अब यहाँ मैंने जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि जीरो ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसकी पावर क्या हो, जीरो हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लगाया है। तो इसलिए हमने इसे मान लिया इक्वेशन टू। अब देखिए, जब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। सो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल है किसके, के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, ठीक है। सो ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएबल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद करनी है क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि आप बताइए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी इक्वेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल हो गया के के। के के इक्वल क्यों हो गया, कोई भी बेस जिसकी पावर जीरो हो उस वो किसके इक्वल होता है, वन के। तो यहाँ पे जब हम वन मल्टीप्लाई करेंगे के में तो ये के ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डी टी को हमने यहाँ भेज दिया तो ये क्या हो गया, डी ए और इक्वल में माइनस के डी टी। ये जो मैंने माइनस का साइन है इसे इधर कर दिया, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। अब देखिए, इंटीग्रेट करने के बाद हमारी ये इक्वेशन बनेगी, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ए आ गया, यहाँ आ गया माइनस के टी, क्योंकि के का के और टी का डी टी का हो जाएगा टी एक पूरा टाइम, और आई यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो आई है ये क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसे चाहे आप इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बोल लें या कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोले, बात एक ही है। और जो ए है ये हमारी क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब कुछ समय बाद जो कंसंट्रेशन बचेगी वो हमारी क्या है, ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा एक इक्वेशन आई है तो हम यहाँ अब आई के लिए सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू तभी फाइंड करेंगे जब रिएक्शन क्या हो, अपने पीक पे हो, या हम कहें जो जिसमें भी ये सारी चीज़ें हैं वो क्या हो, अपने हायर लेवल पे हो, ठीक है। तो यहाँ टी हमने क्या ले लिया, जीरो। तो जो जब टाइम जीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो जो चेंज इन या कंसंट्रेशन आफ्टर रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए नोड है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। सो टाइम जीरो है और आफ्टर कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड हमारी ये रही, तो इसे हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए, यहाँ हो गया ए इंटू में माइनस के, टी को हमने जीरो माना था, ये जीरो हो गया, प्लस में आई, ठीक है। अब के को जीरो से मल्टीप्लाई करा, ये जीरो हो गया, और हमारा कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी क्या किसके इक्वल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो इनिशियल कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, आई के, ठीक है। इसे हमने मान लिया इक्वेशन फोर। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड और फोर्थ दोनों। ये हमारी है इक्वेशन थर्ड और ये है हमारी इक्वेशन फोर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की जगह क्या रख देंगे, ए नोड, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने वही कराया है, जो ए है मीन्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इक्वल है किसके, माइनस के टी, प्लस में ए नोड। और ए नोड कहाँ से आया, आई की वैल्यू रख के, ठीक है। सो ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन भी आपको याद करनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये इक्वेशन भी पूछ लेता है। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने माइनस के टी को यहीं पे रहन दिया और ए नोड को मैं इधर ले गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस के टी इक्वल टू में कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो आपको जैसे पता होगा कि प्लेस चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो के टी हमारा किसके इक्वल आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो अब यहाँ से हम के निकालेंगे तो टी किस क्या हाँ चला जाएगा इसके अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा, ए नोड कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टी। तो यहाँ से हमारा रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड में टाइम क्या हो जाएगा, हाफ। तो जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है वो भी क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 में। तो देखिए के ऐसी है, ए नोड को हमने वैसे रखा पहले तो हमने, और फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसे हमने उसकी जगह हमने क्या रख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड अपॉन में 2, तो ये हो गया। और नीचे टी था तो टी को ये जगह हमने क्या रख दिया, टी हाफ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए टी हाफ को हम ऊपर ले गए और के को यहाँ भेज दिया, क्योंकि हमें टी नोड फाइंड टी हाफ फाइंड करना है। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड अपॉन में 2 के। अब ये ए नोड कैसे है, देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए नोड माइनस में ए नोड, तो ये हो जाएगा ए नोड और 2 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 के, ठीक है। सो देखिए अब अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को ए मान ले तो जो टी हाफ है हमारा क्या आ गया, ए अपॉन 2 के, जिसे हमने हाफ लाइफ पीरियड में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हम देखते हैं स्लोप फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक स्लोप की इक्वेशन लिखी जिसे आप 11th में मैथ्स में पढ़ते हैं, तो मैंने उसे यहाँ लिखा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसे कंपेयर करेंगे स्लोप से, तो जो m है वो इक्वल टू आ रहा है किसके, माइनस के के। ऑन कंपेयरिंग m इस किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के के, मीन्स जो स्लोप है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो क्या है, माइनस के। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव होता तो जो हमारा क्या कहते हैं स्लोप बनता वो इंक्रीजिंग बनता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो स्लोप कैसा बनेगा, डिक्रीज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम के अगेंस्ट हम टाइम के साथ बना रहे हैं और यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ऊपर की साइड इंक्रीज कर रखी है। तो ए नोड हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी और फिर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्लोप हमने नीचे की साइड ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे हमारा स्लोप फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने से पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन होती है ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ये बहुत कम या हम कहें कि नहीं स्पेशल केसेस में पाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन होती है ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए जो सुक्रोज होता है वो जब टूट के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है उसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है इन्वर्टेज, और ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है हमारा कैटालाइटिक मीडिएट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे कैटलिस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसी जो हमारी रिएक्शन होती है ये भी ज़्यादातर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए N2+ में 3H2 में क्या गिव करते हैं, NH3, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे मान लीजिए H2+Cl2 गिव करते हैं HCl, तो यहाँ पे जो क्या वर्क करता है यहाँ पे लाइट आके रिएक्शन में कराती है, तो ये हमारी क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
सो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है और इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे। मींस जो आर है वो प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की पावर वन पे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जैसे करा था वैसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेट रेट इक्वेशन, स्लोप और हाफ लाइफ पीरियड को निकालेंगे। ठीक है, सारे स्टेप वही है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को चेंज करना है। जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्टेप करे वही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी करेंगे। तो देखिए, रेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये तो हो गया सीधा चेंज इन कंसंट्रेशन और ये हो गया रेट लो के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। अब देखिए, किसी की पावर वन मतलब वही चीज वो एक ही बार है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, उसी चीज को दोबारा कॉपी करा है, माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इक्वल में के और कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, ए को नीचे भेज दिया और डी टी को ऊपर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस डी ए अपॉन में ए इक्वल में के डी टी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इसे क्या करेंगे इंटीग्रेट। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ गया और ये जो हमारा माइनस के है ये कॉन्स्टेंट है तो इसे मैंने बाहर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि डी एक्स अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो उसी तरीके से डी ए अपॉन में ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ए। ठीक है, फिर इक्वल में माइनस के और यहाँ डी टी का हो जाएगा टी प्लस में आई, और आई यहाँ पे क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें टी क्या हो जाएगा जीरो और ए क्या हो जाएगा ए नोड। ठीक है, तो लॉग ई ए नोड किसके इक्वल आ गया, आई के, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए टी को जीरो कर देते हैं ये पूरा जीरो हो गया और ए को हमने क्या रख दिया, ए नोड, तो आई किसके इक्वल आ गया, लॉग ई ए नोड के। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम यहाँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देख रहे हैं कि जो लॉग ई ए है वो इक्वल है किसके, माइनस के टी प्लस में लॉग ए की पावर ए नोड के। ठीक है, यहाँ ए नोड आप बाहर लगाएंगे, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे के की। तो देखिए आप जैसे देख रहे हैं सारे स्टेप जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह है, बस वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखिए ये इक्वेशन है, मैंने क्या करा, माइनस के टी को इधर भेज दिया और लॉग ए को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, के टी इक्वल में लॉग ए ए नोड माइनस में लॉग ई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी को हमने नीचे भेज दिया, तो ये क्या हो गया, लॉग ई ए ए नोड अपॉन माइनस में लॉग ई ए अपॉन में टी। तो यहाँ पे मैंने वही के की वैल्यू सेम यहाँ पे नोट करी है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, वन बाई टी को हम अलग से लिख रहे हैं और लॉग ए को हमने लिख दिया ए नोड अपॉन में ए। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है एक लॉग ई रिथमिक फंक्शन की, कि अगर लॉग ए माइनस लॉग बी है तो ये हो जाता है लॉग ए अपॉन बी के। इसे आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जो लॉग ई है वो इक्वल होता है 2.303 लॉग बेस की पावर 10, मतलब लॉग बेस कितना है 10 है। तो यहाँ पे हमने वही करा, लॉग ई को किस में कन्वर्ट करा, लॉग 10 में, तो ये क्या हो गया 2.303 की पावर अपॉन में टी और लॉग ए नोड अपॉन में ए आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, के की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप फाइंड करते हैं, तो यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम यूज करते हैं, तो लॉग ए इक्वल है माइनस के टी प्लस में लॉग ई ए नोट के। ठीक है, और ये हमारी स्लोप इक्वेशन है, वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो एम है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के, तो जो हमारा स्लोप है वो भी कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ पे लॉग ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, टाइम इधर की साइड इंक्रीज कर रहा है और जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं
हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ए क्या है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में टू, मीन्स ए नोड अपॉन में टू। तो के की हमारी यहाँ से वैल्यू क्या आई थी, 2.303 टी लॉग ए नोड अपॉन में ए, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। अब हमने क्या करा, 2.303 रहने दिया, टी को क्या कर दिया, टी बाई टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें टी हाफ निकालना है, मीन्स हाफ लाइफ निकालनी है। तो यहाँ हो गया लॉग ए नोड का ए नोड, और जो ए था वो क्या किसके इक्वल था, ए नोड अपॉन टू के। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए नोड किसके इक्वल है, ए नोड अपॉन टू के। तो के यहाँ से क्या हो गया, 2.303 अपॉन में टी बाई टू, और जब हम ए नोड को काट देंगे टू ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टू। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ के को हमने नीचे भेज दिया, 2.303 सेम रहा, और जो लॉग टू की वैल्यू होती है वो होती है 0.301। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो जो टी हाफ है वो आ गया 0.693 अपॉन में के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो होता है 0.693 अपॉन में रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला है C2H4+ में H2, जो हमें गिव करता है C2H6। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन, ठीक है। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन होती है ये भी हमारी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं।